19 का सेमीफाइनल। जी हां, ये लाइन बिल्कुल मुनासिब माकूल लगती है। फूलपुर और गोरखपुर में जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला और उसके बाद नतीजा आप सबके सामने है। शुरुआती रुझान में फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। योगी आदित्यनाथ जी का ये गोरखपुर है, साल 1989 से लेकर 89 से लेकर आज तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि भगवा, वो कभी गिरा नहीं। लेकिन अब देखिए, भगवा को घेरा है साइकिल ने और हाथी ने मिलकर भगवा को घेर लिया है फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही जगहों पर। इसीलिए हमें कह रहे हैं कि क्या यह रिश्ता 2019 के सेमीफाइनल की चाबी साबित होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2019 में जो फाइनल मुकाबला होना है, आम चुनाव होने हैं, उस आम चुनाव में क्या यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा, यह समझना बाकी है जी। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जश्न में डूब गई हैं। देखिए आप, लाल गुलाल उड़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे त्रिपुरा में जीत के बाद कि अब लाल सूरज अस्त हो रहा है, या सूरज अस्त होता है तो लाल होता है। लेकिन यहाँ पर लाल टोपियों को सबक सिखाने वाले, बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ जी अब क्या करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लाल टोपी को सबक नहीं सिखाया जा सका है, लाल टोपी ने मैदान जीत लिया ऐसा लग रहा है। अगर ऐन मौके पर कुछ और गड़बड़ नहीं हुई और जो रुझान है ये नतीजे में तब्दील हुए तो फिर मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा खाली की गई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार जिस तरीके से अपनी लीड बनाए हुए हैं, ये लीड बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत पीछे है बीजेपी, पिछड़ती जा रही है बीजेपी। देखिए पटाखों की आवाज सुनिए आप। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव थे लोकसभा को लेकर, और जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता ने पुनः एक बार भरोसा जताया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में खुशी है, लोग एक साथ होली भी मना रहे हैं, पटाखे फोड़कर दिवाली भी मना रहे हैं और ईद की सेवई भी आज बटने वाली है। जी, और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही, सीएम योगी के गोरखपुर में बीजेपी को लगा जोर का झटका, बेहद जोर का झटका, बेहद जोर से। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर प्रवीण निषाद 22,500 वोटों से आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी लगा है उतने ही जोर का झटका जितना योगी जी को लगा। फूलपुर और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है, यानी योगी और मौर्य दोनों के द्वारा खाली की गई लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अगर रुझान नतीजाइत में तब्दील हो गए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में कामयाब हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1,80,367 वोट समाजवादी पार्टी हासिल कर चुकी है फूलपुर में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1,52,740 वोटों तक ही महदूद है। अतीक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार 31,585 वोट पा गए हैं, यानी अतीक अहमद को खड़ा करना भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो थी उस पे काम नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में 2,29,622 वोट मिल चुके हैं, बीजेपी को 2,06,492 वोट हैं, तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को 23,130 वोटों की बढ़त है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। गोरखपुर में 15वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और गोरखपुर में भी योगी बाबा के गढ़ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थित उम्मीदवार वो सबसे आगे है। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। आलोक अवस्थी साहब स्वागत है आपका, ब्रजेश मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार आलोक भैया, ये बताइए कि लाल टोपी को सबक सिखाने वाले योगी बाबा अब क्या करेंगे सर, चूंकि जीत बड़ी, मतलब ये जो रुझान है
ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो बड़ी करारी हार है सर। अतुल जी, निश्चित बात है कि रुझान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और लेकिन अभी ये 16वें राउंड तक ही गिनती है, 30 राउंड की अभी 14 राउंड की गिनती बाकी है। हाँ। और अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 हजार का अंतर 2-3 राउंड में ही खत्म हो जाता है, जी, आपको मालूम है जी। आप बहुत समय से जो है चुनावों को समीक्षा करते आ रहे हैं जी। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से उनको अगर हम अभी आज के रुझानों के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो ये निश्चित बात है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है, और जो मतदाताओं की उदासीनता देखी गई है, जो कि कम परसेंटेज का वो जो वोट पोल हुआ है, उसका एक कारण भी है कि एक साल बाद अभी आम चुनाव होने हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है कि मतदाताओं ने को मालूम है कि इस सीट की हम वोट डालने या ना डालने जाए, इससे केंद्र की सरकार को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, ना वो हारने वाली है ना वो जीतने वाली है। तो ये कई सारे समीकरण है, हम जरूर समीक्षा भी करेंगे अपनी, ऐसा नहीं है कि हम इसका संज्ञान नहीं लेकर के अपनी रणनीति में बदलाव भी करेंगे, और आगे भी जो है हमारे नेता इस विषय पे बराबर मंथन और चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि सारा विकास कर रहे हैं हम केंद्र के द्वारा भी और प्रदेश सरकार का भी में भी कर रहे हैं, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, किसानों के लिए साथ भी हम खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी हमने ठीक किया है। तो ये विशुद्ध रूप से जातिवादी संगठन जो इकट्ठा हुए हैं और उन जातियों के प्रभाव के कारण, और सामान्य वर्ग का जो मतदाता था और जो अदर बैकवर्ड क्लास का और जो दलितों से भी जो हमको वोट आता था, लगता है कुछ उदासीनता की वजह से जी, आप कह सकते हैं फील गुड, तो फील गुड की वजह से जो है वो मतदान के लिए प्रेरित नहीं हम कर पाए सर। और इसका आप अपने प्रयासों में असफल रहे हैं, तो इसको फील किस चीज का फील गुड है इतना होने के बाद? सर एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, ये कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेंगे या बीजेपी की जो मौजूदा दुर्दशा हो रही है उसके लिए आप खुशी जताएंगे? किसकी दुर्दशा? बीजेपी की जो दुर्दशा हो रही है उस पर खुशी जताएंगे या कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई इस पे दुख जताएंगे? खुशी जनता को जो खुश है उसमें हम खुश रहते हैं। इस देश की जनता ने बीजेपी को जिस तरह से भोगा है, जिस तकलीफ में बीजेपी और मोदी जी ने रखा है, उसे भी जांच जाना चाहती है पूरे देश में, जहाँ विशेष तौर से वहाँ जहाँ जहाँ बीजेपी का कसाना फल चक चुकी है, जहाँ नहीं चुकी है भले वहाँ एक बार लोगों को इच्छा कर रहा है जीते हुए अजमाने, लेकिन जिन लोगों ने अजमा लिया वो उठ चुके हैं, और यही है कि जहाँ उसको अल्टरनेट दिख रहा है वो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रही है। बहुत बुरी तरह के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का बिस्तर गोल होगा। ये मामूली चुनाव नहीं थे, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के चुनाव थे, सत्ता प्रशासन पैसा सब कुछ लगा रखा था। ये तो है, जनता को नहीं लूट पाओगे, दो विधायक बना के भले राजभवन से सरकार बना लो, लेकिन जनता को इस गलतफहमी में मत रखो अपने आप को कि हम पैसे के बल से सत्ता के बल से जनता को भी जीतेंगे जी। तो क्या 2019 में महागठबंधन बनेगा जैसा सोनिया गांधी जी ने डिनर डिप्लोमेसी की है उसके आधार पे आप बात कर रहे हैं क्या? पूरी देखिए, गठबंधन का कार्य क्षेत्र निर्णय करना लेना ये सब हमारे किसी वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जो संभावना दिख रही है वो काफी इसकी प्रबलता है, क्योंकि हर कोई अब ये चाहता है कि मोदी जी से देश का छुटकारा चाहिए। हर फील्ड में देश का नुकसान कर रहे हैं मोदी, भ्रष्टाचार तो इतना दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, सीधे प्रधानमंत्री तक से राफेल डील कौन कौन से सारी डील सारे भ्रष्टाचार की जड़ें प्रधानमंत्री के पास निकलने हो जाके पहुंच जा रही है जी। आलोक अवस्थी जी, आप सुन रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अखिलेश जी की पार्टी की स्थिति क्या है जरा सा अखिलेश जी उसके बारे में बता दें कि फूलपुर में और गोरखपुर में कितना वोट पाई है, और जो वो बहुत ज्यादा जो है गाल बजा रहे हैं अपने और जो उनकी पार्टी बहुत खुशी मना रही है, वो आज उत्तर प्रदेश के सीनारियों में वो कहाँ पर खड़े होते हैं? वो तो गठबंधन में भी शामिल नहीं हुए, उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया अपना और लड़ाया, जबकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जरा सा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दे तो मुझे अच्छा लगेगा अखिलेश जी प्लीज। हाँ, प्रकाश जी प्रकाश डलवा रहे हैं। हाँ, देखिए
अब इनको जब नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा लड़ना भेद कर था कि हमारे फिजिकल स्टेबिलिटी की हम बिना लड़े ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं कि वो इनको समझ में आ रही है बोलेंगे नहीं। और कहाँ पे है आप अभी राजस्थान में कौन जीता है, मध्य प्रदेश में कौन जीता है, पूरे देश में तो आप हार रहे हैं। और कांग्रेसी राहुल गांधी कांग्रेसी आपका निपटारा करेगी क्योंकि जितना झूठ बहुत समझ है झूठ ही काट की आड़ी बार बार नहीं करती है। वो हो गया भाई एक बार, कब तक इस देश की जनता को अखिलेश जी अमेठी का भी खाता नहीं खुला है, कब तक असत्य बोल करके अमेठी से सांसद है राहुल गांधी विधानसभा का चुनाव में अमेठी का खाता नहीं खुला है आपका, इसको मत भूलिए। 12 मेयर जीत गया बताते थे हम हिंदू पूरा यूपी जीत लिए सारे मीडिया के संरक्षण से लेकर के 3/4 नगर पालिका टाउन एरिया आ रहे हो, खाली मेयर में 12 जीत गए थे, कूदने लगे कि सब जीत गए जीत गए जीत गए। तो ये सब दिख रहा है, आपके जाने का समय आ गया है, सती जनता आपसे निपटारा चाहती है क्योंकि आप तो सब चीज में अव्वल हो गए हैं, भ्रष्टाचार एक भी वादे पूरे नहीं हुए, सब जुमले जुमले जुमले, खुद अच्छी बात यह कि स्वीकारते भी है कि हाँ चलो सब मेरे जुमले से, और जुमले से नहीं थे, जनता को जुमला नहीं चाहिए, जनता को जवाबदेही चाहिए, जनता को जिम्मेदारी जो दी है उसका परिणाम चाहिए। आप लोग तब तक इस देश को मूर्ख बनाएंगे, 70 सालों में एक बार आपको अजमान लिया, 70 सालों तक के लिए घर पे आराम करिए। ठीक है अखिलेश भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी द्वारा जलाई गई शम्मा को आगे बढ़ाएंगे आपके अनुज हिलाल नकवी जो हमारे स्टूडियोज में आके बैठ गए हैं। हिलाल नकवी स्वागत है आपका, ये बताइए अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था हिंदी खबर लाइव है 28 लाख जी सुबह से आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा फेसबुक में और ट्विटर पे और यूट्यूब में हिंदी खबर को देखने वालों का, अभी आंकड़ा 28 लाख के आसपास ट्रेंड कर रहा है। मुझे ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था सत्ता हासिल करने वाला कि लाल टोपी को सबक सिखा देंगे, सूरज जब डूबता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, क्या इस तरह की जो बातें हैं जनता ने इनको खारिज किया है? हिलाल नकवी देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट सी है कि अभी चुनाव के रिजल्ट पूरी तरह से पूरी मतगणना हुई नहीं है, उसके नतीजों का इंतजार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये उनको हार जो है वो शुरू हो गई थी गुजरात से, गुजरात में बस किसी तरह से वो अपना बचा करके ले गए, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, नॉर्थ ईस्ट में कहते जरूर, लेकिन त्रिपुरा में एक उन्होंने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था जो पार्टी जो है वो विघटनकारी है, जो त्रिपुरा को बांट देना चाहती है, इसी तरह से नागालैंड में भी वही किया, मेघालय में भी कुल 2 सीटें पाई है। तो ये जीत जो नॉर्थ ईस्ट की भी दिखाई दे रही है वो जीत जो है वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का अब जो है ये ढलान शुरू हो गई, ये बहुत तीव्र ढलान है। देखिए वैसे तो ये 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इसका महत्व क्या हो जाता है, इसका महत्व ये हो जाता है कि आप जो है वो गोरखपुर जहां के आपके मुख्यमंत्री हैं, जहां पे आप 1987 के बाद से हारे नहीं, उसके दूसरा है फूलपुर जहां के उप मुख्यमंत्री, जहां के आपके अध्यक्ष भी थे मौर्या साहब, केशव प्रसाद मौर्या साहब, आप उन 2 सीटों को हारे, वो भी किस वक्त हारे हैं, उस वक्त हारे हैं जब आपकी अभी नई सरकार बनी है राज्य में और केंद्र सरकार का लगभग लगभग समय जो है वो पूर्ण होने के ऊपर आ गया है, 8-9 महीने 10 महीने का समय रह गया है। अगर उस वक्त वहां की जनता ये अपना जो जैसा रुझान में दिखाई दे रहा है, अगर ये उन्होंने अपना निर्णय सुनाया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से तो पूरी तरह से ये उखड़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हम कह रहे हैं ये अभी रुझान है, इस रुझान को नतीजों में बदल जाने दीजिए, ये नतीजे बड़े दूरगामी परिणाम लेकर के आएंगे। जैसा हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम गुजरात से खदेड़ते हुए लिए चले आ रहे हैं, यहां सापा ने जो नतीजे दिए हैं इसकी धमक जो है वो कर्नाटक में भरपूर सुनाई देगी जी, आलोक कौशिक साहब, वो धमक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी से महसूस होने लगी होगी। सर आपकी कांग्रेस का क्या हाल है? सर आपकी कांग्रेस को गुजरात बुलाया गया, नॉर्थ ईस्ट में बुलाया गया, दलीय उम्मीदवारों से भी नीचे गिर गई सर, अतीक अहमद से भी नीचे गिर गई कांग्रेस आपकी। सर एक क्वेश्चन का जवाब, एक क्यूरी है मेरी, प्लीज बताइएगा। सर सुन लीजिए एक मिनट, क्वेश्चन सुन लीजिए। कांग्रेस इतनी महान पार्टी थी, एक छत्र इसका राज्य चलता था, 70 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे एक्सपीरियंस लीडर आपके साथ हैं, क्या ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक अकाल आप लोगों के पास पड़ गया है
कि आज कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई है कि दूसरों की हार और जीत में वो अपनी हार और जीत, अपना खुशी और गम ढूंढने के लिए मजबूर हो गई है सर। बिल्कुल, आप कहीं पे भी फ्रंट पे लीड, मतलब इतनी बड़ी, मतलब आपके पास क्राइसिस हो गई है स्ट्रेटजिक इंटेलेक्चुअल टैलेंट की, रणनीति की, कि हार और जीत भी आपके पास नहीं है, आप दूसरों के उसमें हार और जीत में को वो पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है कि जी कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन। पॉइंट टेकन जी। नकवी साहब जी, आपने जो ये प्रश्न उठाया है कि दूसरों के हार और जीत से, यहां पर महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्र है, देश है, जिसके साथ लगातार एक राजनीतिक दल जो है वो झूठ बोलती चली आ रही है, जुमले देती चली आ रही है। आज की तारीख में अर्थव्यवस्था जो है वो गर्त में जा रही है, आज की तारीख में नौजवान बेरोजगार है, किसान जो है वो हत्या आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर ये पार्टी चली जाती, उसको हराने वाले चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या अन्य दल हो, तो हर भारतीय को खुश होना चाहिए, और वो खुशी आप हमसे नहीं ले सकते हैं। निश्चित रूप से हम कांग्रेसी हैं और साथ ही साथ भारतीय हैं। आज की तारीख में जिसने देश को गर्त में पहुंचा दिया है, अगर वो हार रही है तो हर भारतीय खुश है, और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो एके मिश्रा साहब हमारे साथ नहीं है, अब एके मिश्रा जी की जगह अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। जी अब्दुल हफीज गांधी साहब, स्वागत है आपका। आलोक गोस्वामी, आप कुछ कह रहे थे पहले, आप एक बार अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप हमसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, आलोक अवस्थी साहब से। आलोक अवस्थी साहब से देखिए, मुझे क्या कहूं, मैं हंसूं या मैं क्या कहूं, कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं बयान भी पढ़ रहा था जो उन्होंने आपको बोल सुन रहा था, जो आपको ये बोल रहे थे, ये हर जगह तो हारते जा रहे हैं। जब से इनके नेता राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष हुए हैं, कितनी स्टेट से बाहर हो चुके हैं, इनको खुद गिनती अभी भूल गए होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद भी, अध्यक्ष बनने के बाद भी सर, आप याद दिला दीजिए, स्टेट से आप बाहर बनने के बाद हम किस स्टेट से बाहर हो गए, हमको याद दिला दीजिए। आप जो है हिमाचल से बाहर हो गए, आप गुजरात में आपने जाति गुजरात जातीयता गुजरात से बाहर हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे आप सरकार नहीं है हमारी, गिरा पाए, हिला पाए आप जो है, और आपने जातीयता का पूरा कार्ड वहां पे खेला, आपको जनता ने नकार दिया है। हिमाचल में आपको बुरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। अभी आप जो है कर्नाटक के चुनाव में जा रहे हैं, वहां पे जनता अभी आपको जवाब और दे देगी। अभी आप जागृत नहीं हुए हैं। अगर हमारी सरकार के हम तो बहुत से जागृत है, बहुत अच्छे से राजस्थान में हम जागृत हैं, हमने आपको बताया हम कहां है। मैंने आपको सुना है, देश की जनता ने आपको बताया कि आप उत्तर प्रदेश में। सुनना सीखिए हिलाल जी, मैंने आपको बहुत गंभीरता सुना था, मुझे लगता था शायद आप गंभीर व्यक्ति है। और बोले बोले आगे बोलिए। मैंने हिलाल जी को बहुत गंभीरता सुना था। देखिए ये इतने उतावले हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि आज फूलपुर में और क्या कहते हैं आपके गोरखपुर में इनकी जमानत भी जब्त हो रही है। जमानत क्या मतलब, ये दहाई अंक बड़ी मुश्किल से पार कर पाए हैं, निर्दलीय भी इनसे आगे चल रहा है। स्थिति आज कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि अमेठी में जहां इनके अध्यक्ष आते हैं, वहां पे वो विधानसभा की एको सीट नहीं जीत पाते हैं, वहां पर एक पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा पाते हैं, जिसको जिता कर के ला पाए। सांसद भी इनके मात्र दो ही हैं, मां और बेटा। जो आप खुद सोच सकते हैं, जब कांग्रेस की हाशिए पे पहुंच गई उसके बाद भी कितना अहंकार, ये 10 साल का जितना खाया पिया जो इतना इनका अहंकार है वो अभी तक नहीं गया है। इतनी जगहों पे हारने के बाद, इतनी जगह जनता के द्वारा धुतकारने के बाद, अभी भी अगर ये कांग्रेस ये चाह रहे हैं और हंस रहे हैं। आज तो आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे विधानसभा चुनाव में, 27 साल यूपी बिहार करने के बाद 13 मेरा साथ आपने कर लिया था। आज आप फिर जो है आपने गठबंधन को ठोकर मारी और आप समाजवादी पार्टी से अलग होकर खड़े हुए हैं। आपके नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता को गरियाया है, कहा कि जो है अखिलेश यादव जी ने जो है हमको हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, हमको धोखे में रखा है, उनको भी गरियाया है आपने। आज आप हंस रहे हैं, आप अपने खुद का स्टैंड कर रहे हैं। हम तो हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि हमने कोई गलत काम किया है। ये विशुद्ध रूप से जातीयता की लड़ाई हुई है वहां पे, जातिवादी पार्टियां वहां पे लड़ी है, एक मिलकर लड़ी है, उसका प्रभाव दिख रहा है जनता के अंदर। जरूर एक वो भावना थी, ठीक है, उपचुनाव हो रहा है, एक साल बाद आम चुनाव है, उन्होंने सीरियसली लिया नहीं है, ठीक है, वोटों का परसेंटेज कम होने का हमको फर्क पड़ा है, फिर भी हम इस गठबंधन के जो परिणाम आ रहे हैं, जो दिख रहा है रुझान, उसके जरूर समीक्षा करेंगे और हम बेहतर जवाब आपको दे पाएंगे। ब्रजेश मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि इसमें जो अभी रुझान दिख रहे हैं, ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसको कैसे लिया जाए?
साल 2019 में होने वाले आम चुनावों के पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी मुंह की खा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। बिहार में भी कमोवेश बीजेपी के उलट मामला चल रहा है। तो अब यह माना जाए कि अगर बीजेपी को मोदी जी को सत्ता से हटाना है, अमित भाई शाह के पन्ना प्रमुख जैसे माइक्रो मैनेजमेंट वाले चुनावी गणित को बिगाड़ना है, तो सभी दल को एकजुट हो जाना होगा, महागठबंधन बनाना होगा। मिश्रा जी, क्या ये इसकी ये इसका निष्कर्ष है? देखिए, जो 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो जहां तक मुझे याद है बीजेपी को लगभग 32% वोट मिली थी। अन्य दलों को अगर आप देखेंगे तो सपा बसपा लगभग 48-50% के बीच में थे, और ऐसे ही पूरे देश में वोट परसेंटेज का डिफरेंस था। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर बीजेपी के विरुद्ध कोई महागठबंधन बनता है, चाहे वो जात के आधार पर बने, चाहे वो संप्रदाय के आधार पर बने, तो बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और ये जो नतीजे आ रहे हैं या जो रुझान दिख रहे हैं, इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और जो अभी ग्राउंड पर जो इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले ही इन लोगों ने एक तरह से ये घोषणा किया कि एक दूसरे का समर्थन करेंगे, तो वो जो समर्थन है उसके परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के विशेष संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि इन राज्यों में हमेशा जातिगत गणित होती है, और ये सभी नेता जानते थे। बीजेपी में भी अंदर से ये विमर्श चल रहा था कि अगर इनका गठबंधन बनता है तो हमारी अचानक से क्या रणनीति होगी। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास इस गठबंधन को रोकने या तोड़ने या इसका जवाब देने का अचानक से कोई ऐसा अवसर बीजेपी को नहीं मिला। और जाति के गणित में अगर आप देखेंगे तो अगर बसपा सपा को समर्थन करती है तो इसमें सपा की जीत पर मुझे आश्चर्य नहीं है। अब रह गया 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो अभी बहुत प्री मेच्योर होगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी देश को सोचना है। तो एकदम से मैं ये नहीं, अच्छा एक बात और भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जी, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था लोकसभा का, वोट परसेंटेज वोट टर्नआउट भी लो था, और एक तरह से इसमें कोई ऐसा प्रेस्टीज का इश्यू नहीं था। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि इनकी जो महत्वपूर्ण दो लोकसभा सीटें हैं, एक मुख्यमंत्री की और एक उप मुख्यमंत्री की, उसमें हार का एक कारण ये भी हो सकता है कि लीडरशिप जो रही हो, जो वहां से जिसने चुनाव लड़ा। मिश्रा जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है ना जी, सर अगर डिप्टी सीएम और सीएम अपनी छोड़ी गई सीट हार जाते हैं, बचा नहीं पाते, तो पूरी सरकार और पूरी प्रदेश इकाई का मान मर्दन हो जाता है। सर आप कह रहे कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं था? ये नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बसपा का समर्थन सपा को मिल रहा था तो मैं उस समर्थन के विशेष संदर्भ में बात कर रहा हूँ इस समय। अगर वो गठबंधन नहीं हुआ होता, वो समर्थन नहीं हुआ होता, तो फिर ऐसी स्थिति न बनती जी। तो अभी ये जो बात कही जा रही है, बसपा के समर्थन की वजह से उत्पन्न परिस्थिति है। देखिए मिश्रा जी बोल रहे थे ये हुआ होता तो ये ना हुआ होता, फिर राजनीति जो है मैं समझता हूँ कि जो है पॉसिबिलिटीज का नाम है। हाँ। और हमने जो रणनीति अपनाई है वो माइक्रो प्लानिंग की है, बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसका दावा जो है भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और हम आपको बता दें कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है। और आप क्या मिश्रा जी कह रहे थे कि ये प्रेस्टीज इश्यू नहीं था, अब इससे ज्यादा प्रेस्टीज इश्यू क्या हुआ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी 25 साल पर उस सीट पर विराजमान हैं, वो सीट आप अभी देखिए आंकड़ों के हिसाब से हार रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए आज जो दो सीटें हारी हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार ने हारी है, यानी निकाय में आप हैं, प्रदेश में आप हैं और केंद्र में आप हैं। नहीं नहीं, अभी हारी नहीं है, अभी हारी नहीं है, अभी हारी नहीं, रुझान और नहीं। मैं देखिए रुझान ही आप देख लीजिए, हम मैं तो सुबह से ही आपको कह रहा हूँ, मैं तो आश्वस्त हूँ, मैं सुबह आपके चैनल पर आकर कहकर गया था कि दोनों ही सीटें हम जीतेंगे। अगर आपको याद हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे नहीं रुकना है, मैंने कहा रुकना जरूर है, लेकिन हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। गांधी जी, जिस तरह से हमने मेहनत की सीटों को लेकर, गांधी जी जी आप मुझे ऐसी कोई मेरी डिबेट बता दीजिए या किसी भी चैनल की डिबेट बता दीजिए जहां पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने ये कहा हो कि फला चुनाव हम हारेंगे। हर आदमी कहता हम जीतेंगे। आप सही कह रहे हैं ना, बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि
देखिए बोलना भी नहीं चाहिए हाँ। और हम समझते हैं कि पार्टी का पक्ष रखने आए हैं तो पार्टी को आगे बढ़ाने आए हैं, बल्कि पार्टी को पीछे करने नहीं आए। इसलिए हर प्रवक्ता का यह फर्ज बनता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन फैक्ट्स भी कुछ चीज होते हैं। एक बार आप धरातल पर जाकर देखिए कि जिस तरह की जो रीपैकेजिंग की सरकार दोनों चल रही है, रीब्रांडिंग की सरकार चल रही है और इवेंट मैनेजमेंट की जो सरकारें चल रही है, आप ये देखिए कि गंगा मैया को आप 4 साल में तो साफ नहीं कर पाए और उसमें आप जो है 300 लीटर इत्र डालते हैं सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाने के लिए। तो ये क्या किया जा रहा है, ये जनता को जो है कहीं ना कहीं धोखे में रखा जा रहा है। आप मैं आपको ऐसे बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं। अभी हिलाल साहब ने आपको इकोनॉमिक आंकड़े दिए कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। बहुत सारी चीजें हैं, 15 बाई इलेक्शन हुए इस देश के अंदर, 15 बाई इलेक्शन का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, बीजेपी हर बाई इलेक्शन में गई है। और जो लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन में नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार के फेवर में जाते हैं, यदि सरकार ने अच्छा काम किया और लोग भी ये सोचते हैं कि सरकार चल रही है तो उसी को जिताया जाए, तो आप ये देखिए लोगों में कितना ज्यादा असंतोष होगा, लोग कितने ज्यादा निराशा से भरे हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर जी वहां से आते हैं और शहर लोकसभा में जो शहर विधानसभा है वहां 37% वोट होता है, केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं जहां से फूलपुर से, वहां शहर विधानसभा में 21% पोल हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई जा रही है इन्वेस्टर मीट को लेकर, हमने भी इन्वेस्टर मीट का स्वागत किया था और हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर निवेश होता है तो खुशी हमें होगी, लेकिन ये रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग और जो है नेम चेंजर की सरकारें होंगी तो ये जनता को कतई कबूल नहीं होगा। जनता ने दोनों लोकसभा सीट से यह मैसेज देने का काम किया है और मैं बार बार कह रहा हूं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो टूटना शुरू हुआ है।